गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रतीक, गुड मॉर्निंग। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सर प्रतीक कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का वासी हूँ। मैंने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से सन 2021 में बैचलर ऑफ साइंस में अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। नवंबर 2021 से मैं इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। पिताजी बर्तन के व्यापारी हैं और मेरी एक कुशल गृहिणी हैं और मेरा केवल एक भाई है। ओके विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है प्रतीक? सर 28 फरवरी सर किसकी याद में मनाया जाता है? रमन रमन के। इफेक्ट क्या होता है, पढ़ा है? ये सर स्कैटरिंग सर रिलेटेड है सर, ओके 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 ये उन्होंने सर स्कैटरिंग को एक्सप्लेन किया था। स्कैटरिंग को एक्सप्लेन किया। आपने ग्रेजुएशन कौन से ईयर में पास आउट किया है? 2021 सर। 2021। उसके बाद में आप कंपटीशन की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। ये सर नवंबर 2021 से। ओके ओके ओके। आप ये बताइए कि आपकी वीकनेस क्या है? सर फर्स्ट थिंग मैं जल्दी किसी को ना पाऊं और सेकंड थिंग मैं टीम के साथ काम करता हूं। सर कोई ऐसा व्यक्ति सर जो अपना काम नहीं करता है सर, मुझे थोड़ा सा क्रोध आता है सर, जिसपे सर मैंने काफी काम किया सर, वो पहले से बहुत कम हुआ है। तो आप क्रोध आएगा तो अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करेंगे? ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा आपके सामने। जैसे आप मैंने एग्जाम पहले बनाएंगे बहुत एडीयू के तंग। तौर पर, तो आपको तो बहुत चुनौतियों का यस सामना सर। करना पड़ेगा। फिर आपको तो मोटिवेट करना होगा उनको। सर निश्चित रूप से सर मैं अपने सर सभी चुनौतियों का सर सामना करने के लिए सर मेंटली प्रिपेयर हूँ और उनका सामना करूंगा भी। और सर रही मोटिवेट करने सर, मैं मोटिवेट सर उन्हें पूरी तरह से करूंगा। सर ये जो एंगर वाली प्रॉब्लम है सर, मैंने इसे बहुत। यस सर। आप उत्तर प्रदेश से हैं? यस सर। ओके। आपका जिला कौन सा है? ओके मेरा सर डिस्ट्रिक्ट सर सर कौन सा है? हाँ सर ऑडियो सर का सर अभी आवाज आ रही है, बताइए कौन सा है? सर जौनपुर सर डिस्ट्रिक्ट पूछ रहे हैं सर, जिला सर। हाँ जिला डिस्ट्रिक्ट। हाँ सर जौनपुर सर, जौनपुर। ओके जौनपुर के बारे में बताइए आप कुछ। जौनपुर के बारे में कुछ खासियत है नेशनल लेवल पे? ओके सर जौनपुर से सर ऐसा प्रेजेंट टाइम में सामने का सर जो शाही पुल है सर वो है सर। यहाँ का सर अटाला वो फेमस है सर। माता शीतला का मंदिर है सर। और सर इस टाइम सर मैं झजरी मस्जिद को सर याद कर पा रहा हूँ सर, वो भी काफी पुराना है। और सर उस यहाँ बहुत ढेर सारे लोग सर इस टाइम नेशनल लेवल पर सर सीट उत्तर प्रदेश आईएएस से लोकसभा सीटें कितनी हैं? सर 80 सीटें हैं सर। 80 सीटें हैं। राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? सर लखनऊ सर। लखनऊ है। ओके। आप ये बताइए कि बीमा के अंदर पीएलपीडी शब्द का मतलब क्या होता है? सॉरी सर। ओके। करंट न्यूज पढ़ते हैं आप? यस सर, आज की सर करंट न्यूज पढ़ी है सर। आज की पढ़ी है, बताइए आपने क्या पढ़ी है आज? सर G20 मीटिंग हुआ है सर, जिसमें सर G20 के सभी विकास मंत्री सर वाराणसी में आए हुए थे। और मीटिंग की अध्यक्षता सर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की थी। और मीटिंग के शुरुआत में सभी मंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर वर्चुअली संबोधित भी किया था। ठीक है, ये तो G20 के बारे में हो गया। और बताइए। सर सर इस टाइम आज सर NSO का सर डेटा भी आया सर, मैं उसको भी सर अच्छे से पढ़ा नहीं सर, उसको पढ़ना अनएम्प्लॉयमेंट होगा का आया, अभी। बेरोजगारी को लेकर। देश के अंदर यस सर। एनएसओ ने बताया है कि मई माह में देश के अंदर बेरोजगारी कितनी प्रतिशत रही, कितनी परसेंट रही? सर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, सर मैं 10 सेकंड ले सकता हूँ सर। अच्छा ये बताइए आप, सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में किस राज्य में है? हाँ सर सर हरियाणा, राजस्थान। उत्तर यही सर। प्रदेश की जनसंख्या किन जी देशों से सर। ज्यादा है विश्व के अंदर?
उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, ये माना जाता है कि कई तो देश हैं उनसे भी ज्यादा है। कोई ऐसे दो चार देश बताइए जिनसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। भूटान सर भूटान सर, है। सॉरी सर, नहीं। एमेजॉन फॉरेस्ट को लेकर अभी एक न्यूज रही है, उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? सॉरी सर, ओके। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय जो है, सॉरी, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? मोर मोर उत्तर प्रदेश का, और राज्य पशु? सर, बात सर, बाघ है। LIC जो है, उसके बारे में आप ये बताइए कि LIC की हिस्ट्री क्या रही है, कैसे इसका निर्माण हुआ है, क्यों इसको नेशनलाइज किया गया, सॉरी सर, उसके बारे में बताइए आप। सर वन स्टडी का प्रॉब्लम था, मैं तो रिपोर्ट सुन सकता हूँ सर। तो ऐसा नेशनलाइजेशन में आया सर, फिर उसके बीच में सर आवाज LIC के बारे में बताइए, LIC के नेशनलाइजेशन को लेकर, कि LIC की कैसे फॉर्मेशन हुआ, कितनी कंपनियों को मिलाकर इसका फॉर्मेशन किया गया, उसके बारे में बताइए। सर। सर जनवरी 1990 में सर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस सर नेशनलाइजेशन, सर फिर 1956 में सर इंश्योरेंस बिजनेस या 1 सितंबर 1956 को सर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 245 लाइन कंपनियों को सर मर्ज करके लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सर स्थापना की गई थी। पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस के क्षेत्र इंश्योरेंस के क्षेत्र में सर एकमात्र पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर कंपनी है सर। प्रेजेंट टाइम $7 बिलियन है। और सर इसके जो चेयरमैन हैं सर प्रेजेंट टाइम में सिद्धार्थ मोहंती हैं, और सर इसका स्लोगन योग क्षेमम वाह मयम सिद्धार्थ मोहंती की भी नियुक्ति क्या एडीओ के तौर पर हुई थी? सॉरी सर, नहीं आप सर जानते इसके हैं पहले कि थे एडीओ के सर। तौर पर आप काम करके किस हाईएस्ट लेवल पे जा सकते हैं LIC के अंदर? सर अभी सर मेरा एम्बिशन सर 5 ईयर में सर SBA बनना है सर। मैं इतना ही सर प्रमोशन करके ठीक है SBA सर, तक आप हो पूछिए। सकते हैं सीनियर बिजनेस तो आप ये बताइए कि एडीओ की ड्यूटीज क्या होगी? सर। बेसिकली सर 3 ड्यूटीज होती हैं सर, रिक्रूट करना, उनको रिक्रूट करना, उनको सपोर्ट के रिटेन करना सर, और ताकि उनको करना ताकि सर वो बिजनेस बना सके। एक एडीओ की सफलता के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए सर। दूसरी चीज सर लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी होनी सर, पेशेंस होना चाहिए। और सर थर्ड चीज सर चुनौतियों सर मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि हमको जी आगे किन 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 प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है सर। तो आप ये बताइए कि ईडा के एक महत्वाकांक्षी योजना है सबके लिए बीमा, उसको उसके सर टाइम 1 सेकंड सर, एडा के सर कट रहा है सर, 1 सेकंड सर। ईडा ईडा सर आप एडा IRDA IRDA के बारे में पूछ रहे हैं यस सर, सर, कि IRDA अच्छा ने सर बोला है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल, ये टारगेट भारत में कौन से साल तक का है? 2047 सर, 27। सर 47 सर, 47 सर, ओके, दो 47। 2050 के सर 3 ईयर इसके लिए 3 पॉलिसी लॉन्च करने जा रही है इल्डा, उनका नाम बताइए आप। सर ये सर बीमा विस्तार है और सर बीमा वाहक बीमा वाहक क्या होता है? सर। बीमा वाहक सर एक ऐसे व्यक्ति के लिए सर हम टर्म यूज करते हैं जो जो सर गांव में होंगे और सर जिनका काम बेसिकली गांव के सर व्यक्ति इंश्योरेंस के बारे में सर उनका इंश्योर कराना बीमा चाहिए वाहक उनको में बेसिकली सर। किन कैटेगरीज को टारगेट मूल रूप से किया जा रहा है? सॉरी सर वॉइस कट रहा सर, बीमा वाहक के तहत किनको यस सर स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है?
सर वीकर सेक्शन का, सर जो रूरल पर जो वीकर सेक्शन है सर, जिनका इंश्योरेंस नहीं है सर, उनको टारगेट किया जा रहा है। एलआईसी मित्रा क्या है? एलआईसी सॉरी सर, इस टाइम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस कब मनाया जाता सर मैं गलत हूँ तो सर शायद 12 जून को, सॉरी सर। ये जो एक साइक्लोन अभी आ रहा है गुजरात से, उसको क्या नाम दिया गया है? सॉरी सर। चलो ठीक है, सब ठीक है प्रतीक, आपको थोड़ा सा फीडबैक हम बता देते हैं। आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, जनरल अवेयरनेस की जानकारी आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करनी है अपनी। एलआईसी को लेकर भी आप थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूज हैं चीजों को लेकर, उसमें भी आपको सुधार करना है। ठीक है, यदि आप थोड़ा पढ़ेंगे, अपने आप को, अपने नॉलेज को जो है रिब्रश करेंगे, तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और हमें उम्मीद है कि आप सुधार करके अपना इंटरव्यू देंगे। ठीक है, उसके लिए आपको बहुत बहुत जो है बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। ठीक है प्रतीक, धन्यवाद। बहुत यस सर, मैं कोई गलत आंसर दिया, करेक्ट आंसर मिल जाता सर। नहीं, वो तो आप जैसे, आपको जो है वो अब इतना बड़ा फीडबैक बताएंगे ना, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। आपने कई सवालों के जवाब जो है वो, जैसे आपने टारगेट बताया वो ठीक है बीमा वाहक को लेकर, लेकिन बीमा वाहक मेनली टारगेट जो है वो गांव को, ग्रामीण पंचायती स्तर पे है और महिलाओं को मूल रूप से टारगेट किया जा रहा है। आपने जो है बताया कि जो सोशल बैकवर्ड है उसमें उसका तो है ही, लेकिन मेनली उसका टारगेट महिलाओं को किया जा रहा है वहां पे टारगेट। ठीक है, ठीक है। ओके।